हेलो दोस्तों अभिनव नाम है मेरा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और हमारे एकदम खास शो में प्राइम टाइम ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें ना हम मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल प्राइम टाइम की तरह करते हैं विद एक्सप्लेनेशन और बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक तो आज हम टाइम एंड वर्क की छठी क्लास करेंगे और ये आखिरी क्लास भी है आई नो मैंने सात क्लास कही थी लेकिन लास्ट क्लास को देखने के बाद मैंने देखा कि क्वेश्चंस बहुत सारे थे जो हटाने वाले थे तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस हटा दिए ठीक है बिकॉज कि वो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी बहुत कर रखे हैं तो उसको मैंने समराइज कर दिया तो छह आज सोमवार को आपको ये वीडियो मिल रही है कल आपको मिलेगा पाइप्स एंड सिस्टम या कल का ब्रेक ले लो मैं ट्यूजडे को नहीं डालूंगा मंगलवार को वैसे भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करते ठीक है बुधवार और बृहस्पतिवार को दो दिन में आपको पाइप्स एंड सिस्टम की वीडियो मिलेगी और इस तरीके से हमारा टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम खत्म हो जाएगा और फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो स्पीड और, हो और बहुत जल्दी शतक भी कर देंगे अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर फॉलो कर रहे हो और सब कुछ देख रहे हो तो आपको पता है ई मॉक का सोल्यूशन मैं खुद करवाता हूं मैथ्स और रीजनिंग का इस पे आप जो इनका मॉक सीरीज है सीजीएल दो हजार तेईस और सी एच एस एल दो हजार तेईस के लिए वो खरीद सकते हो अगर आप 2024 की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप ले सकते हो क्योंकि ये मॉक आपके पास रहने वाला है एक साल तक अनलिमिटेड टाइम जितनी बार देना है दे देना उनसठ रुपए लगेगा और अभिनव कोड लगाना है इंस्टाग्राम मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम क्लास से जुड़ने के लिए क्लास की पीडीएफ वगैरह और सारे अपडेट यहीं मिलते रहते हैं तो भैया जुड़ जाना मैथ्स बाय अभिनव राजपूत डालना है मैं प्रकट हो जाऊंगा कहीं पर भी डालो मैं आ जाऊंगा ठीक है गूगल पे भी आ जाऊंगा मैं ठीक है चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ओके क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा बिकॉज की हमने स्टार्टिंग में ही इतने टफ टफ क्वेश्चन कर लिए कि अब इनके पास बनाने के लिए कुछ है नहीं यार ये बड़ी दिक्कत होती है देखो क्या है क्वेश्चन एफिशियंसी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो फोर फाइव सिक्स ए बी और सी इनका जो एफिशियंसी रेशियो है ना वो है चार पांच और ओके एंड वर्किंग छुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन ट्वेल्व डेज तो मैंने बताया था जो कभी भी एफिशियंसी हो उसी को जोड़ दो चार पांच नौ छह पंद्रह यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं एक दिन में चार काम कर रहे हैं ये पांच काम कर रहा है ये छह काम कर रहा है और टोटल मिलकर बारह दिन में कर रहा है यानी कि जरूर एक सौ अस्सी काम रहा होगा ठीक है एक दिन में चार काम कर रहा है बी पांच और सी छे इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बी एबल ए अकेला कितने दिन में कर सकता है एक सौ अस्सी काम है और ए अकेला एक दिन में चार काम कर रहा है तो पैंतालीस दिन में कर देगा पैंतालीस इंटू में चार एक सौ अस्सी होता है ये बयासी क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली में है एक सौ दो क्वेश्चन ध्यान रखना सौ क्वेश्चन हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर एटी सेकेंड देखो क्या है

फोर यूनिट ऑफ द वर्क वर्किंग सिक्स आवर्स अ डे एंड अंड डेज ऐसे करोगे तुरंत हो जाएगा देखो कैसे करोगे आठ से कट किया दो इंटू दो बारह दो दो से कटा दो बीस so, दुनी चालीस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी हमने ये सब कर रखे हैं ओके आप सबको आता है तो बेसिकली हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं नहीं जो सीखने वाली चीज थी मैक्सिमम चीज आप सीख चुके हो कुछ चीजें रह गई है वो हम जब एक बार हमारा गणित का प्राइम टाइम खत्म होगा ना फिर उसके बाद दोबारा से इसमें कुछ वीडियोस डलेंगी ठीक है मतलब इन्हीं में थोड़ा सा और करके इन डेप्थ करके हम थोड़े से लेवल को अप करेंगे फिर अठारह पर्सन वर्किंग एट आवर्स अ डे कैन कंप्लीट थ्री यूनिट देखो अठारह आदमी है आठ घंटे काम कर रहे हैं दस दिन और काम कितना करते हैं तीन तो बताओ पांच यूनिट काम करने में कितने लोग चाहिए अगर काम 16 दिन और 6 घंटे में खत्म करना है तो कट पीटी तो करना है और तो कुछ है ही नहीं ठीक है सो so, क्या करना है अपने को 8 से कट किया दो 6 से कट किया तीन दो से कट किया पांच ठीक है और कट रहा है क्या कुछ 6 से कट किया तो तीन ना तीन से तीन कट गया तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 इंटू पाँच पच्चीस ठीक है ऐसे करना है बहुत प्यारा क्वेश्चन है इजी भी है क्वेश्चन नंबर 84 क्या है देखो एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी आर इन द 5, सेवन वही क्वेश्चन है जो अभी पहला वाला था ये मेंस के क्वेश्चन है, है कितना दो पांच और सात ठीक है यानी कि ए एक दिन में दो काम कर रहा है बी एक दिन में पांच काम कर रहा है सी एक दिन में सात काम कर रहा है तीनों मिलकर एक दिन में सात पांच बारह दो चौदह काम कर रहे हैं एक दिन में ये चौदह काम कर रहे हैं और दस दिन में पूरा काम कर लेते हैं यानी कि टोटल काम जरूर एक होगा अब आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बी एबल टू कम्प्लीट थर्टी ऑफ द वर्क एक का चालीस कितना होगा सॉरी तीस परसेंट ए को 42 काम करना है और एक दिन में दो काम कर रहा है तो इसको कितने दिन चाहिए इसको चाहिए 21 दिन 42 बटे में दो इक्कीस एक तो सेम सेम टाइप के इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं ना फिर करवाने में भी उतना मजा नहीं आता ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ दे वर्क टुगेदर 36 काम हो गया टोटल या 36 18 2 36 यानी दोनों मिलकर 36 काम कितने दिन में करेंगे अगर एक दिन में पांच काम कर रहे हैं तो 7 1/5 ठीक है 7 1/5 Yes, है ठीक है ऑप्शन के लिए तो मैं अभी से ही माफी मांग लेता हूं ठीक है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन थर्टी फोर डेज देखो कुछ लोग हैं कुछ लोग ठीक है कितने लोग हमें नहीं पता एक्स मान लेते हैं एक्स लोग चौतीस दिन नौ घंटे काम करके काम कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है अब आपसे पूछा इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज डिक्रीज बाय फोर्टी परसेंट आ हा हा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पहले जितने भी नंबर थे ना अब उसमें चालीस परसेंट कम कर दिए गए हैं ठीक है तो पहले मान लेके चलते हैं देखो इसको छोड़ दो ठीक है देखो पहले कितना लोग था पता नहीं लेकिन मान के चलते हैं 10x था अब अब कितना बचा है 40 कम कर दो ना तो अब कितने लोग बचे हैं था टेन एक्स चालीस परसेंट घटा दिया सिक्स एक्स तो टेन एक्स आदमी चौतीस दिन नौ घंटे काम करके काम फिनिश करता है तो अगर सिक्स एक्स पर्सन हो तो हाउ मेनी आवर्स अ डे कितने दिन एक दिन में कितने घंटे काम करना है कि काम जो है तो ना हाउ जाएगा. जाएगा आप इसको दस और छह भी मान सकते थे ठीक है लेकिन फिर सवाल आ जाता ना कि भैया हम सीधा टेन और सिक्स क्यों मान रहे हैं फाइव और थ्री भी मान सकते थे इसीलिए मैंने एक्स लगा दिया जो कटना ही था बाद में चल के ठीक है देखो सत्रह उन्नीस चौथी सत्र इक्यावन तीन से कट करो

बारिश हो रही है पटना में लेकिन फिर भी ठंड लग रहा है आई मीन गर्मी लग रही है वही होता है एसी लगाने के बाद ना रूम लॉक हो जाता है रूम लॉक के बाद ना वो बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी थ्री मैन फोर वुमेन एंड सिक्स चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन सेवन डेज ठीक है देखो तीन आदमी फोर वुमेन एंड सिक्स चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन सेवन डेज अब देखो अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज एंड चाइल्ड हाफ द वर्क मैन अ मैन डज देखो वुमेन जो है ना सबसे पहले तो देखो अगर मान लो चिल्ड्रन एक काम कर रहा है तो मैन कितना करेगा दो काम क्योंकि बच्चा जो है ना वो आदमी का हाफ करता है और जो वुमेन है ना वो आदमी से डबल काम करती है जो एक्चुअली में करती है ठीक है तो बेसिकली ये एफिशियंसी आ गई अगर चिल्ड्रन एक काम कर रहा है तो मैन दो और वुमेन चार ठीक है और अब अगर देखा जाए तो वुमेन चार काम कर रही है मैन दो और एक अब तीन आदमी मिलके कितना काम करेंगे छ चार वुमेन मिलके कितना काम करेगी सोलह और छह चिल्ड्रन मिलकर कितना काम करेंगे छे ठीक है सोलह छह बाईस छह अट्ठाइस यानी कुल मिला के काम हो रहा है एक दिन में और टोटल सात दिन काम चला है तो बीस सतह चालीस और आठ सतह छप्पन एक सौ छियानवे ये क्या है This one is T W, which means total work. ये हमने total work निकाल दिया। अब क्या है? How many women alone can complete this work in seven days? अब देखो, 165 काम सात दिन में करना है। कट करो, सात दुनिया चौदह, अठाईस। यानी एक दिन में कितना काम चाहिए? अठाईस काम चाहिए। एक दिन में कितना काम करना है? अठाईस। लेकिन एक औरत तो एक दिन में चार ही काम कर सकती है ना? तो कितने औरत चाहिए हमें? सात कितनी औरत चाहिए सात सेवन वुमेन मिलकर इस काम को बेसिकली सेवन डेज में कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से क्वेश्चन करना है हालांकि हमने पहले भी कर रखा है देखो क्या है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन फिफ्टीन डेज देखो ए जो है ना किसी काम को पंद्रह दिन में कर सकता है B is 25% more efficient than A and C is 40% more efficient than B. देखो A अगर एक करता है तो B कितना कर रहा है 1.25, 25%, 25 ज्यादा एफिशियंट है ना या फिर आप चाहो तो इसको रेशियो में कर सकते हो देखो कैसे A, B और C. जो B है ना वो 25% ज्यादा एफिशियंट है यानी कि अगर A चार काम कर रहा है तो B पांच 25% का मतलब 1 बाय फाइव है 25% ज्यादा का मतलब है तो चार और पांच और ये भी कह रहा है कि सी जो है ना वो चालीस परसेंट ज्यादा है किससे बी से चालीस परसेंट ज्यादा है यानी कि अगर बी पांच है तो सी कितना होगा पांच का चालीस परसेंट दो ज्यादा सात आ गई एक दिन में ए चार काम कर रहा है बी पांच काम कर रहा है और सी सात काम कर रहा है अब ए के लिए कह रहा है A अकेला पंद्रह दिन में कर सकता है और ए अकेला एक दिन में चार काम कर रहा है और पंद्रह दिन में पूरा काम कर सकता है तो यानी कि टोटल काम जरूर साठ रहा होगा साठ रहा होगा ना देखो ए एक दिन में चार काम कर रहा और पंद्रह दिन में वो पूरा काम फिनिश कर सकता है, तो है ना साठ काम रहा होगा अब देखते हैं। A and C कितना दिन तीन दिन और फिर ए छोड़कर चले गया आई I मीन mean सी छोड़कर चले गया और फिर काम किया ए और बी ने कितने दिन काम किया ये नहीं पता हमें यही तो पूछा आपने अब यही पूछा ए एंड बी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज तो देखो कितना आसान है तीन दिन में ए और सी ए की एफिशियंसी चार है सी की सात है यानी ग्यारह गुना में तीन तैस काम तो इन्होंने पहले तीन दिन में कर दिया ना देख रहे हो तैतीस काम हो चुका है क्योंकि तीन दिन दोनों ने मिलकर काम किया है अब बच गया काम कितना सत्ताईस कैसे निकाला साठ काम था तैतीस घटा दिया सत्ताईस काम ए और बी को करना है ए करता है चार बी करता है पांच दोनों मिलकर करते हैं नौ कट कर दो थ्री डेज इज योर आंसर ये इसका आंसर है ठीक है। ए कैन डू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वर्क इन फोर डेज एक बात बताओ ए जो है ना वो चार दिन में कितना काम कर रहा है बीस परसेंट तो सौ काम करने में कितना टाइम लगेगा ट्वेंटी पूरा काम करने में उसे कितना लगेगा बीस आगे देखो बी कैन डू थर्टी थ्री वन बाय थ्री परसेंट ध्यान रखना थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट इन टेन डेज बी कितना करता है बी करता है दस दिन में थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट तो सौ परसेंट काम करने में कितना टाइम लगेगा कितना दिन तीस दिन कट जाएगा ना थर्टी थ्री बाई थ्री दे वर्क टूगेदर फॉर नाइन डेज अब देखो यहां बीस और तीस है यहां से एल्शियम ले लिया साठ एफिशियंसी आ गई इसकी तीन और इसकी दो यानी कि टोटल काम है साठ ए एक दिन में तीन काम कर रहा है बी एक दिन में दो काम कर रहे हैं अब देखो क्या है दे वॉक टूगेदर फॉर नाइन डेज ए और बी ने नौ दिन काम किए हैं कितना काम किया है नौ दिन ओके okay? ए और बी ने कितने दिन काम किया है नौ दिन आगे देखो क्या कह रहा है सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क और बचा हुआ काम जो है ना वो सी ने सिक्स डेज में कर दिया सी ने कितने दिन में कर दिया सिक्स डेज में तो ए, पहले तो ये देखो ए और बी ने मिलकर एक दिन में तीन और दो पांच काम करते और नौ दिन इन्होंने काम किया तो पैंतालीस काम तो ए और बी ने कर दिए पहले नौ दिन में A और बी ने पैंतालीस काम कर दिया बचा हुआ जो पंद्रह काम था ना सी ने दिन दिन में में कर दिया यानी कितना काम करता है ये अब क्या पूछा है बी एंड सी टूगेदर विल कंप्लीट सेवन परसेंट ऑफ वर्क यानी साठ का पिछहत्तर परसेंट कितना पैंतालीस ना साठ का पिछहत्तर सिंपल निकाल सकते हो ना भैया 60 का थ्री बाय फोर सेवेंटी फाइव इंटू में हंड्रेड करोगे ना थ्री बाय फोर आएगा कर दो तो टोटल काम कितना करना है पैंतालीस करना है किसको करना है बी और सी को मिलकर तो बी करता है दो काम सी करता है ढाई काम दोनों मिलकर करते हैं साढ़े चार काम पैंतालीस तो बटे में साढ़े चार दस दिन में ये पूरा काम फिनिश कर देंगे कितने दिन में कर देंगे दस दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे अगला क्वेश्चन देखो टू डू अ अटेन वर्क

ये हमने क्या निकाल दिया है टोटल वर्क टोटल वर्क कितना आ गया हमारा दो सौ चार ठीक है टोटल वर्क कितना आ गया हमारा दो सौ चार ये टोटल वर्क है अब देखो क्या पूछा है ए अलोन सेवनटीन वन बाय टू था क्या सेवनटीन वन बाय टू था ओके सेवनटीन वन बाय टू ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है दो सौ दस आ जाएगा साढ़े सत्रह दिन अगर बारह के दर से काम करेगा तो दो सौ दस काम है अब ये कह रहा है कि ए जो है ना दो सौ दस का साठ परसेंट काम करने में कितना टाइम लगाएगा तो दो सौ दस का साठ परसेंट और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है सात जीरो से जीरो कटा ये जीरो से ये जीरो कटा सात से कटा तीन छ इंटू में तीन अट्ठारह ये मेन्स के क्वेश्चन है ठीक है आप जो बहुत बच्चे पूछते हैं ना कि आपसे पढ़कर मेन्स निकाला जा सकता है क्या तो भाई मेन्स कैट में निकाल दोगे कैट और एस बी आई ये सब जो होते हैं ना बैंक वाले ये कैलकुलेशन से निकलता है बेसिक से निकलता है उसमें ट्रिक्स काम नहीं करता जब आप कभी भी बड़े एग्जाम्स निकालोगे ना तो उनमें ये नहीं कि एक्स प्लस वन बाई एक्स पी दे रखा है तो एक्सी क्यूब प्लस वन बाई एक्सी क्यूब निकालना है तो उसमें ये सब काम आएगा आपके ना बेसिक्स काम आएंगे कैलकुलेशंस काम आएंगे एसएससी जगत के जो बड़े बड़े टीचर्स हैं ना उन्होंने बैंक के एग्ज़ाम्स नहीं निकाले ठीक है नहीं निकाले उन्होंने रटा रखा है तभी वो मैथ्स के टीचर बने हैं क्योंकि उन्होंने चीज़ें रट दी है और एस में देखो आ, बच्चा रट के ना सिर्फ मैथ्स का पेपर निकाला जा सकता है जॉब नहीं ले पाओगे ठीक है क्योंकि उतनी रटने के लिए ना आपको बहुत मैथ करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा और उतना टाइम नहीं होता बच्चों के पास पाँच साल में थोड़ी ना एग्ज़ाम देना है निकालना है अरे एक साल करो डेढ़ साल करो निकालो एग्जाम ए कैन डू अ वर्क इन थर्टी डेज देखो ए जो है हा ए कैन डू वन बाय थ्री ऑफ द वर्क होगा क्या ए कैन डू अ वर्क इन थर्टी डेज बी कैन डू द सेम वर्क इन ट्वेंटी फोर टू बाय फाइव डेज थर्टी वन बाय थ्री डेज है क्या हो सकता है थर्टी वन बाय थ्री हो करके देखते हैं और नहीं यार हो सकता है ठीक है और बी जो है ना वो ट्वेंटी फोर टू बाय फाइव डेज में कर रहा है तो तैतीस तीय नब्बे इक्यानवे बटे में तीन okay. और चौबीस बाईस बटे में पांच ये क्वेश्चन गलत है यार मतलब अगर ये नंबर्स पता चल जाना कहां लिखा हुआ है तो, तो इजीली हो सकता है एक किसी काम को तीस दिनों में कर सकता है किसी काम तीस एक बटा तीन काम क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है और मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या है ए बी सी कैन डू सेपरेटली अट्ठारह छत्तीस और चौवन दिन में ए अठारह दिन में कर सकता है बी छत्तीस में और सी चौवन में ठीक है ए अठारह दिन में बी छत्तीस दिन में और सी चौवन दिन में दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट फाइव डेज एंड टेन डेज देखो पहले तो सबने मिलकर काम किया कितने दिन पांच दिन फिर बी छोड़कर चले गया और अगले पांच दिन ए और सी ने किया और कितने दिन अगले पांच दिन ध्यान रखना और फिर जो है सी भी छोड़कर चले गया और बचा हुआ काम किसने किया है अच्छा 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 बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बड़ा अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है और भी अच्छा क्वेश्चन है ये देखो क्वेश्चन समझो इस चीज को पहले पढ़ लेना चाहिए था क्वेश्चन ए जो है वो अट्ठारह दिन में कंप्लीट कर सकता है बी छत्तीस दिन में कर सकता है और सी चौवन दिन में कर सकता है तो टोटल काम एक आ जाएगा एल्शियम निकाल के इसकी एफिशियंसी छ इसकी तीन और इसकी दो ये हमने टोटल वर्क निकाल दी यानी ए एक दिन में छह काम करता है बी एक दिन में तीन काम करता है सी एक दिन में दो काम करता है और टोटल काम कितना है हमारे पास एक सौ आठ अब समझो क्वेश्चन क्या है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है है ये कह रहा दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट लेन डेज एंड डेज रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क यानी अगर मैं पीछे से देखू ना पीछे से देखना हमें तो काम समाप्त होने से पांच दिन पहले दस दिन पहले कौन छोड़कर गया है सी ठीक है, दस दिन पहले और काम खत्म होने से पांच दिन पहले किसने देखो पहले किसने छोड़ा है दस दिन पहले ही छोड़ दिया किसने सी ने बी पांच दिन बाद और सी ने दस दिन बाद यानी कि आखिरी के बट बी एंड सी लेफ्ट फाइव डेज एंड टेन डेज रिस्पेक्टिल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क यानी कि आखिरी के पांच दिन में लास्ट के जो फाइव है ध्यान रखना लास्ट के फाइव डेज में ए ने अकेले काम किया लास्ट के फाइव डेज में अकेले काम किया है ठीक है और अगर मैं लास्ट के टेन डेज बोलू देखो समझो इस चीज को इन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया था लेकिन काम समाप्त होने से पांच दिन पहले पांच दिन पहले बी छोड़कर चले गया तो कह सकते हो कि आखिरी के पांच दिन days, लास्ट फाइव डेज ठीक है लास्ट फाइव डेज ए ने अकेले काम किया है ठीक है और फिर आखिरी के दस दिन आखिरी के दस दिन से पहले ना सी भी छोड़कर चले गया ठीक है सी भी छोड़कर चले गया था दस दिन पहले ही तो वो जो बीच के पांच पीरियड है वो जो बीच के पांच दिन है वो किसने काम किया ए और बी ने ठीक है देखो इसको ऐसे देखो ये लास्ट डे है आज काम फिनिश हुआ है ये पांच दिन है उससे पहले का काम समाप्त होने से पांच पहले ठीक है फिर ये जो पांच दिन है ये उससे पहले का पांच दिन है ठीक है ये वाला जो बॉर्डर है ये काम समाप्त होने से दस दिन पहले का है तो बी कब छोड़कर भागा है बट बी पांच दिन पहले बी यहां भाग गया ठीक है बी ने यहीं तक काम किया था इसके आगे नहीं काम किया था और सी ने कहा तक काम किया था यहां तक काम किया था और सी ने इसके बाद भी काम नहीं किया था ठीक है यानी कि इसके इसके बाद बाद सिर्फ ए ए ने काम किया था इसके बाद ए और बी ने काम किया था और इससे पहले तीनों ने काम किया था ए बी और सी ने इसको छोड़ दो ठीक है अगर मैं लास्ट के दिन से देखू देखो आखिरी के पांच दिन ए ने किया फिर यहां पे बी छोड़कर चले गया उससे पहले के पांच दिन ए और बी ने मिलकर काम किया था और सी उससे पहले ही भाग गया था तो देखो नौ पैंतालीस इस पांच दिन में कितना काम हुआ होगा पैंतालीस यानी कि कुल मिला के आखिरी के दस दिन में पिछहत्तर काम हुआ है आखिरी के दस दिन में पिछहत्तर काम हुआ है बचा हुआ जो तेईस काम है वो पहले ही हो चुका है पहले ही हो चुका है और ये जो तेईस तो काम है तीनों ने मिलकर किया छह तीन नौ और दो ग्यारह पिछहत्तर सॉरी ये जो तैस काम है ना जो बचे हुए तैतीस काम है ना ये तीनों ने मिलकर किया और तीनों ने मिलकर कितने दिन में किया होगा तीन दिन यानी हुआ ये था कि तीन दिन जो है ना तीनों ने मिलकर काम किया फिर उसके पांच उसके बाद पांच दिन ए और बी ने काम किया और आखिरी के पांच दिन ए ने काम किया तो कुल मिला के काम कितने दिन चला है देखो पांच यहां पांच यहां तीन यहां तेरह दिन कितने दिन काम चला है तेरह दिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन है ठीक है हाउ मेनी डेज दर्किन डेज बहुत अच्छा क्वेश्चन है आई दो तीन क्वेश्चन और आए ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एटीन डेज देखो ए और बी एक काम को अठारह दिन में कर सकते हैं बी और सी उसी काम को तीस दिन में कर सकते हैं ए इज ट्वाइस एज गुड एज workman एज सी और एक चीज और दे रखा है कि ए जो है ना वो सी से दुगना काम करता है यानी कि अगर सी एक काम कर रहा है ना तो ए दो काम करेगा बी का नहीं पता हमें ठीक है बट इतना पता है कि ए और बी मिलकर अठारह दिन में कर रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एटीन डेज बी एंड सी टूगेदर इन थर्टी डेज देखो अठारह और तीस का हम नब्बे यानी कि ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं पांच बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं तीन समझे बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं तीन अब अगर मैं इसमें से ये घटा दूं ए और इसमें से घटा दूं देखो ए प्लस बी है और ये बी प्लस सी है या फिर मैं अगर ऐड कर दूं तो अगर मैं ऐड करूं देखो क्या ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए ना यानी ए प्लस सी प्लस टू बी इज इक्वल टू एट ठीक है ये दे रखा ना कुल मिला के अब एक बात बताओ यहां पे अगर आप गौर से देखो a प्लस सी की वैल्यू क्या मैं तीन पुट कर सकता हूं बोलो नहीं कर सकते पुट क्यों नहीं पुट कर सकते देखो सिंपल सी बात है ये दो और चार भी तो मैं लिख सकता था ना तीन और छह भी तो लिख सकता था ना तो हमें क्या लिखना है कैसे पता चलेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लगाओ कैसे लगा सकते हो देखो अगर मैं इसमें से घटा दूं ए प्लस बी में से और बी प्लस सी घटा दूं तो क्या आ रहा है a माइनस सी इज इक्वल टू देखो इसमें से घटाता हूं तो a माइनस सी इज इक्वल टू टू ए माइनस कितना है दो बट यहां देखो यहां पे एक्चुअली में घटाया जाए ना इसको अभी छोड़ दो मैं इसको मिटा ही देता हूं ठीक है देखो एड करके नहीं कर सकता माइनस करो ए माइनस सी कितना आ रहा है पांच में से तीन गए तो दो बट यहां पे अगर मैं घटाऊ ना दो में से एक तो एक ही आ रहा है अब इस डिफरेंस को दो बनाना है कैसे कर सकता हूं इसको दो कर दो और इसको चार कर दो यानी कि अकॉर्डिंग टू अस ए की एफिशिएंसी एफिशिएंसी कितनी कितनी है चार, ओके? Efficiency कितनी है ओके ए की तो बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी दो सी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी दो ओके दे रखा है अब बताओ बी की एफिशिय कितनी होगी सिंपल देखो ए प्लस बी पांच है ए चार है तो बी वन है यहां भी, भी देख लो बी प्लस सी तीन है तो अगर सी दो है तो बी एक है तो दो प्लस एक तीन तो कुल मिला के ये इनकी एफिशिएंसी है और यहां पे ध्यान रखना थोड़ा दिमाग लगाना है अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या पूछा है बी अलोन कैन कंप्लीट अब नब्बे काम है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है एक तो नब्बे काम करने में कितना टाइम लगेगा नब्बे दिन ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन था ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेल्व डेज देखो ए और बी बारह दिन में कर सकता है ए अठारह दिन में कर सकता है तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा तो ये तो कर लोगे अठारह बारह छत्तीस बारह तिया अठारह दोनी तो बी की एफिशिएंसी वन आ गई क्यों क्योंकि दोनों की तीन है तो इसकी दो और इसकी एक अब एक एफिशिएंसी से छत्तीस काम करने में कितना टाइम लगेगा छत्तीस दिन ये तो आप लोगों ने इतने कर रखे ना कि रट गया होगा देखो ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट अ इन 18 डेज ओके ए इज थ्री टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी यानी कि अगर बी एक काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा तीन काम तो एक बात बताओ ए तीन काम करेगा बी एक काम करेगा और इन लो, इन लोगों ने मिलकर अठारह दिन काम किया तो टोटल काम कितना रहा होगा बहत्तर बहत्तर टोटल काम है ध्यान रखना ए तीन कर रहा है और बी एक कर रहा है क्या क्या पूछा इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट बी एक काम कर रहा है और बहत्तर काम है तो कितना टाइम लगेगा बहत्तर बटे में एक बहत्तर डायरेक्ट ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन सिक्स डेज बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है देखो ए और बी जो है ना वो छह और आठ दिन में कर सकता है ठीक है किसी काम को छ में और बी आठ में विद हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन थ्री डेज अब देखो छ और आठ है एलसीएम ले लो चौबीस यानी ए एक दिन में चार काम कर रहा है बी एक दिन में तीन काम कर रहा है अब देखो ए बी और सी तीनों ने मिलकर ना इस काम को तीन दिन में कर दिया चौबिस काम को तीन दिन में कर दिया तो बताओ यानी कि तीनों ने मिलकर एक दिन में आठ काम किया होगा बट ए चार कर रहा है बी तीन कर रहा है तो ये बचा हुआ एक काम कौन करेगा सी ना तो यहां से सी सी की C की वैल्यू आ गई एक यानी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है एक ही काम कर रहा है अब क्या पूछा है दे कंप्लीटेड द वर्क इन थ्री डेज एंड अर्न अठारह सो अड़तालीस अब बताओ उन्होंने कमाया है अठारह सो अड़तालीस रुपए तो बताओ सी का कितना शेयर होगा तो देखो रेशियो क्या है चार तीन एक ना इसी रेशियो में होगा तो चार तीन सात एक आठ अठारह सौ अड़तालीस आठ की वैल्यू है तो एक की कितनी होगी कर दो इसको दूनी तिया एकम किसी का भी पूछा पूछा जा सकता है इससे तो चार से तीन से मल्टीप्लाई करते छह सौ तिरानवे उससे करते तो फिर नौ सौ चौबीस नहीं हां नौ सौ चौबीस ठीक है टेंथ देखो क्या है टेन तो नहीं है करिए अब क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया पता नहीं कौन सा कौन सा है क्या फर्क पड़ता है देखो ए अलोन कैन डू टू बाई फाइव ऑफ अ वर्क इन ट्वेल्व डेज देखो ए जो है ना वो बारह में टू बा टाइम लगेगा तीस यानी पूरा काम तीस दिन में कर सकता है बी इज ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर एफिशियंट देन ए देखो जो बी है ना वो 25 परसेंट ज्यादा एफिशिएंट है किससे ए से इसको ऐसे देखो कि अगर ए की एफिशिएंसी चार है तो बी की कितनी है पांच है अगर A 30 दिन में चार पूरा काम कर रहा है और एक दिन में चार काम कर रहा है तो टोटल वर्क कितना है एक टोटल वर्क कितना है एक क्यों क्योंकि ए एक दिन में चार काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है पांच तो बताओ 120 काम करने में बी को कितना दिन लगेगा चौबीस ठीक है बी का निकाल दिया हमने 24 अब देखो क्या पूछा है सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी अब बताओ सी इसको कितने दिन में करेगा 12 दिन में करतेगा सारा तो सब कुछ वही है क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है तो ए की एफिशिएंसी चार थी बी की तीन थी और सी की कितनी आ जाएगी 120 काम 12 दिन में कर रहा है तो 10 अब क्या पूछा है डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी आहा D की कितनी है? दस अब डी कह रहा है डी जो है ना वो सी से 10.5, 25% लेस एफिशिएंट है। यानी कि D कितना काम करता है एक दिन साढ़े सात डी कितना काम करता है साढ़े सात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखो क्वेश्चंस करते रहोगे सब सम होता रहेगा ठीक है तो इफ दे ऑल वर्क टुगेदर हमने यहां पे डी की एफिशिएंसी निकाल दी कितना साढ़े सात ये नहीं पूछ रहा कि डी कितने दिन में कर रहा है तो 120 बटे साढ़े सात करके हम निकाल सकते हैं आंसर बट ये नहीं पूछा है अब पूछ रहा है कि अगर ये चारों मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा तो 120 है टोटल काम चार तीन सात दस सत्रह सात चौबीस पॉइंट पांच पॉइंट हटाओ जीरो लगाओ पांच से कट किया पांच दूनी दस पांचों के बीस पांचों के बीस पांच नंबर पैंतालीस टू फोर्टी अपॉन में फोर्टी नाइन अरे कुछ गलती कर दी क्या दस चार चौदह तीन सत्रह सात चौबीस पॉइंट पांच। पर फिर से देखते हैं मतलब एक भी ऑप्शन नहीं है टू फोर्टी और फिफ्टी थ्री है हमने ऐड करने में तो गलती नहीं किया है देखो फिर से एक बार देखते हैं ए अलोन कैन डू टू बाई फाइव ऑफ अ वर्क इन ट्वेल्व डेज तो बारह अगर दो में कर रहा तो पांच बारह छह पंचायत फाइव परसेंट मोर एफिशियंट देन ए अगर ए है चार तो बी का पांच है तो चार अगर कर रहा है वो तो एक सौ बीस टोटल काम हो गया ठीक है एक सौ बीस टोटल काम है और एक सौ बीस को पांच से डिवाइड करेंगे तो चौबीस ये भी ठीक है सी जो है बारह दिन कम ले रहा है बी से यानी कि चौबीस ने बारह में ले रहा तो सी की एफिसियंसी दस है डी इज ट्वेंटी फाइव परसेंट लेस एफिशियंट देन सी वर्क इन चार तीन सात दस सत्रह सात चौबीस साढ़े चौबीस है और एक सौ बारह सौ एक सौ बीस है ठीक है यार मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर है पता नहीं क्या दे रखा टू फोर्टी अपॉन फोर्टी नाइन आना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलती किया तो कमेंट में बता देना ठीक है बट मुझे लग तो नहीं रहा कि मैंने कुछ किया है हो सकता है पता नहीं चलता है कई बार देख रहे हो मेन्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कह लो थे बाईस में तो नहीं आए ऐसे क्वेश्चन ए अलोन कैन डू अ वर्क इन एलेवन डेज ए अकेला कितने दिन में कर सकता है ग्यारह दिन में बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन ट्वेंटी टू डेज सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन थर्टी थ्री डेज ठीक है अब देखो इन्होंने क्या कह रहा है कि इन्होंने इस तरीके से काम किया डे वन जो है ना ए और बी ने ठीक है फिर डे टू बी और सी ने फिर डे थ्री ए और सी ने फिर देखो डे फोर जो है ना वो ए और बी दोबारा से यही चीज सर्कुलेट हो गया दोबारा से डे फोर में कौन आ गया ए प्लस बी इस तरीके से काम हो रहा है अब बताओ इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड अब पूरा काम कितनी दिन में होगा अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो पहले तो एफिशिएंसी निकालते हैं टोटल काम कितना आ गया बाईस और तैतीस का ठीक है इसकी एफिशिएंसी ए की बी की छीन और सी की दो आ गई ठीक है अब बताओ पहले दिन कौन काम कर रहा है ए और बी छे और तीन नौ काम हो जाएगा दूसरे दिन बी और सी कर रहे हैं तो तीन और दो पांच काम होगा और तीसरे दिन ए और सी कर रहे हैं तो कितना दिन आठ दिन फिर ऐसे ही नौ पांच आठ ऐसे ही चलता रहेगा तो आप यह देखो कि तीन दिन में कितना काम हो रहा है थ्री डे में नौ पांच नौ पांच चौदह और आठ बाईस कितना बाईस तीन दिन में बाईस काम कितना करना है छियासठ तो तीन से मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो नाइन डेज में पूरा काम हो जाएगा नौ दिन में पूरा काम हो जाएगा ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन नंबर ए कैन डू वन ऑफ़ द वर्क इन नाइन डेज देखो ए जो है ना एक बटा चार काम नौ का एक बटा चार यानी पूरा काम छत्तीस दिन में करेगा समझ में आया बी कैन डू टू बाय थ्री पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन ट्वेंटी एट डेज में तो अट्ठाइस दिन में कितना टू थ्री, तो जो अपॉन में ऊपर चले जाएगा तो यह है कैसे कॉमन आ, आ जाएगा, जाएगा? छत्तीस इंटू में सात तो छत्तीस इंटू में सात कितना होता है तीस सतह दो सौ दस बयालीस दो सौ बावन ठीक है टोटल वर्क कितना आ गया हमारा टू फिफ्टी टू तो एक ही आ गई है यहाँ से और बी की आ जाएगी छे ये वैकेंसी वो वैकेंसी बोल रहा हूं मैं वैकेंसी तो निकाल ही नहीं रहा आजकल ठीक है ये एफिशिएंसी आ गया ठीक है ए की सात और बी की छे अब क्या पूछा इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क तो हमारे पास दो सौ बावन काम है ए सात कर रहा है बी कर रहा तो तेरा ठीक है तो टू फिफ्टी टू बाई थर्टीन डेज ये आंसर है। ओके क्वेश्चन ठीक है अच्छे क्वेश्चन है मतलब मेन्स के क्वेश्चन है और थोड़े से दिमाग लगाने वाले हैं टफ तो नहीं है खेल ये चैप्टर ही इजी है ए अलोन कैन डू अ वर्क इन फोर्टीन डेज देखो ए भाई साहब अकेले चौदह दिन में कर सकते हैं बी अट्ठाईस दिन में कर सकता है और सी जो है ना वो छप्पन दिन में कर सकता है पहले तो टोटल वर्क छप्पन आ गया एलसीएम लेके चार दो और एक ये हमने एफिशिएंसी निकाल दी ए बी और सी की अब देखो क्या कह रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर तीनों ने मिलकर काम किया और काम कंप्लीट कर दिया और काम इस तरीके से हुआ बी वॉज नॉट वर्किंग ऑन लास्ट टू डेज ए डिड नॉट वर्क इन लास्ट थ्री डेज अगर मैं पीछे से देखू देखो ये है लास्ट डे ये क्या है ये लास्ट डे है ठीक है ये है सेकेंड लास्ट डे ये है थर्ड लास्ट डे और उससे पहले तो सब मिलकर काम कर ही रहे थे तो देखो क्या कह रहा है काम इस तरीके से हुआ है बी ने ना आखिरी के दो दिन काम नहीं किया तो इस दिन और इस दिन बी ने काम नहीं किया और इससे पहले सारे दिन बी ने किया ठीक है सी के लिए कुछ नहीं कह रहा था तो सी यहां पे भी था यहां पे भी था और यहां पे भी था और यहां पे तो था ही था यहां पे तो सभी थे ए प्लस बी प्लस सी थे अब देखो क्या कह रहा है ए डिड नॉट वर्क इन लास्ट थ्री डेज ए ने आखिरी के तीन दिन काम किया यानी ए ने यहां पे भी काम नहीं किया यहां पे भी काम नहीं किया यहां पे भी काम नहीं किया इससे पहले काम किया है ठीक है यानी ए ने इससे पहले काम किया है आखिरी के तीन दिन काम नहीं किया है क्या पूछा इन हाउ मेनी डेज वॉज पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा देखो कैसे आखिरी के लास्ट दिन किसने किया किया सी ने तो एक किया होगा उससे पहले भी एक दिन सी ने किया होगा और उससे एक दिन पहले बी और सी ने मिलकर काम किया यानी तीन काम हुआ होगा यानी कि आखिरी के तीन दिन में कितना काम हुआ है पांच वर्क हुआ है कितना काम हुआ है पांच का ठीक है आखिरी के तीन दिन में चीजें

Seven days. काम कितना दिन चला है सेवनटी टू बाई सेवन डेज सेवेंटी टू बाई सेवन डेज बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये मेंस के है और ये अच्छे लेवल के हैं ओके okay? आज का ये टू डू ratio वर्क द रेशियो ऑफ and B is थ्री इज to सेवन देखो ए और बी की एफिशिएंसी जो है ना वो तीन और सात है

अब क्या बोल रहे हैं कि आठ दिन तो मिलकर काम किया इन्होंने तो आठ दिन में तो सात और तीन दस अस्सी काम हो चुके हैं अब बचा कितना पच्चीस देखो एक सौ पांच काम में अस्सी काम पहले आठ दिन ही हो चुका है बचा हुआ पच्चीस काम किसने किया है उसके बाद देखो कह रहे सिक्सटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन इन कितने दिन देखो पच्चीस काम बचा है हमारे पास पच्चीस का साठ परसेंट पच्चीस का साठ परसेंट कितना होता है पंद्रह पच्चीस का साठ परसेंट कितना होता है पंद्रह पंद्रह काम किसको करना है ए को करना है ए की एफिशिएंसी कितनी है तीन तो बताओ ए कितने दिन में करेगा पंद्रह काम ए तीन के हिसाब से पांच दिन में कर देगा ओके okay? कितने दिन में कर देगा पांच दिन में कर देगा तो ये तो भैया थैंक यू सो मच वाला नोट है इसको देखो ना देखो क्या फर्क पड़ता है ठीक है थैंक यू तो तुम बोलोगे ना बाकी तुम लोग अगर यहां तक आए हो और इतनी वीडियोज देख रहे हो तो उसके लिए भी शुक्रिया ठीक है क्योंकि उसके लिए भी वो चाहिए होता है विल पावर चाहिए होता है तो इस क्लास में इतना ही था आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी और आई डोंट नो जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो पचास हजार कम्प्लीट हुआ है या नहीं हुआ है बट अगर हो गया है तो थैंक यू सो मच अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ पचास हज़ार करने में सहयोग करो ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले सेशन से में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो